ए प्रयोग में हम लोग हावरक्राफ्ट बनाएं जा पुरान सीडी से खातिर अपने के सीडी रबर गोंद ये सब वगैरह वगैरह लगी। देखो पुरान स्केच पेन ले लें, ओकर आगे का निब निकाल लें, पीछे का ढक्कन निकाल लें और अंदर से ओकर कापूस भी निकाल लें। अब एगो सुई लेके स्केच पेन के ढक्कन में एगो छेदा बना लें। आप लोग देख सके नहीं क्या केत तरह ये ढक्कन का सामने का हिस्सा हवे और ये ओकर पीछे का हिस्सा हवे। अभी पेन का ढक्कन लेके एगो रबर का छोट डिस्क के हिस्सा में ओके टाइट लगा लें। ध्यान दें कि ये रबर के सतह के लेवल पे होके के चाहिए तो हल्का सा धक्का भी दे सके नहीं जा। अब एगो पुरान सीढ़ी ले लें और ओके पीछे के हिस्सा पे बीच में गोंद लगा लें। ओके हल्का सा सूखने के बाद फिर अपन पेन का ढक्कन और रबर का हिस्सा लेके वो गोंद पे एकदम बीच में चिपका लें अच्छा से। अब एगो स्केच पेन का अपन नली लेके ओकरे एगो छोर में गुब्बारा के रबर बैंड से बांध लें। आप लोग देख सकें जा के तरह। अब आप लोग पेन का दूसर छोर अपने ढक्कन में लगा सके नहीं जा में गुब्बारा फूल भाई ना हवे। अब गुब्बारा के अंदर हवा भर के वापस तुरंत ओके वापस ढक्कन पे लगा दे में रबर वाला जब में हम लोग स्केच पेन का ढक्कन लगा ही नहीं जा। आप लोग देख सकते हैं जाके गुब्बारा से जितने हवा बाहर आई धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर करके सीढ़ी के यहाँ वहाँ घूमे दे। नीचे ओकर फ्रिक्शन बहुत कम हो गए लगे हवा के निकलने की वजह से। हावर क्राफ्ट के चलने का भी ये पद्धति हवे। नीचे हवा निकलेला तो नीचे से फ्रिक्शन कम कर देवेला हवा का एगो अच्छा सा कुशन बना देवेला। एके बहुत ही अच्छा सतह पे रखन जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा से काम करेला। लेकिन अगर गुब्बारा में हवा ना रही तो ये काम ना करी। आप लोग देख सकें जा हवा भर के हल्का सा धक्का देता ये तो यहाँ वहाँ जात रहेला। आप लोग इसे बहुत अच्छा से खेल सके नहीं जा।